मैया कहने लगी बेटा ऐसा ना बोलो अभी मत जाओ। गुरु बोले मैया अब मैं जा रहा हूँ अपने मैया के छोटों को इस वक्त किया। ध्रुव चले गांव वालों ने उत्तान पाद को बताया कि ध्रुव जंगल के लिए जा रहा है। उत्तान पाद कहने लगे जाओ उससे कह दो आज से सर रोटी मिलने लगेगी जंगल के लिए मत जा। गांव वाले आए बोले लौट चलो क्यों आज से तुम्हें दाल रोटी मिलने लगेगी। ध्रुव बोले जिन प्रभु की न सिर से सुना अभी तो मुझे एक सिर जो मिलते थे अब दाल रोटी अब तो और भी नहीं जाएंगे। हाँ गांव वालों ने कहा वो नहीं लौट रहा। उत्तान पाद कहने लगे उससे कह दो आजा राजपाट दे देंगे जंगल के लिए मर जा। ध्रुव ने मना कर दिया। गांव वालों ने कहा भी नहीं लौट रहा। उत्तान पाद कहने लगे उससे कह दो आज से सारा राजपाट उसके नाम कर देंगे लेकिन जंगल के लिए मत जाए। ध्रुव ने एक बात नहीं मानी जंगल के लिए चले गए और चले जा रहे हैं। बताया गया है इधर ध्रुव जब वहां पहुंचे चले जा रहे हैं देव ऋषि बाबा नारद ने देखा 5 साल का बालक तपस्या करने के लिए जा रहा है। नारद जी बोले चलो परीक्षा लेके देखते हैं। आगे नारद जी मेरे ओए कहां जा रहे हैं। हेलो कहाँ जा रहे हो। हाँ कहीं नहीं तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। तपस्या करने जा रहे हो। गुलबगा भेड़िया क्या लेगा लौट जाओ हमें। हाँ तुम्हें क्यों हम जो दिख रहे हैं। हे लौट जाओ घर के लिए। क्यों मेरी बात मानो तुम अभी छोटे हो। अच्छा हम छोटे हैं तुम बड़े हो और तुम्हें है। अरे मेरी बात सुनो तुम घर लौट जाओ। क्यों अरे गुलबगा भेड़िया खा लेगा तेरी माँ रोगी लौट जा। अच्छा हमें खा लेगा भेड़िया और तुम्हें ना खाइए। बात क्यों दोहरा रहे हो तुम क्यों तुम्हें ना लोहे के बोलना पड़े। दोरो बोले मेरी बात सुनो बाबा जी Thank you.
तुम लगे ढोंगी ना तमा डाली ना जी खाते बाबा तुम तो जिन से में आते हो चिड़िया ना जी खाते ए और बाबा ने कहा छिपो हो तो सो हमें ना मेरी बात सुनो हां ढोंगी मानता ना और ढोंगी हम ढोंगी ने खाई बात हां कल ने कुर्ता धोती पहन कर रहे थे देखे मेरी बात सुनो बाबा सुना संत मालूम कितने प्रकार के होते हैं ठीक है कतली हसली नकली असली अब तेरे में ते सब के बाद आए ऐसे की बात है ए हां कतली महात्मा जानते हो कौन से होते कौन से होता इनने काऊ को करता हो कतल हां अब पुलिस परी के पीछे हां अब सोच तो भगवान कैसे बचे अच्छा चलो बताओ कान लगे भगवान कैसे बचे रखाए लोटाड़ा और ले गए जय गुरुदेव के चेला आश्रम में पड़े पड़े खाए गए जितने जी डाड़ा खाए गए थे देखा मैं कहना हनाए गुरु ना जय गुरुदेव ए असली महात्मा जानते हो असली हम का जाने फसली असली कौन से होगा जब भैया लोगों गेहूँ कटते हैं चेटे साग तक कितना महात्मा आता है गाँव गाँव में और कहा गए भैया 50 किलो कम गेहूँ मत दियो क्योंकि हरिद्वार में जग होने ज्यादा है भंडारा होगा बहुत भारी कुंटरों का भंडारा होगा 50 किलो से कम मत देना अब तो मैंने तेरे भंडारे के नाय से 50 किलो जैसे जलालाबाद निकले क्वार्टर को डोर बनाए राम राम और मालूम नकली महात्मा कैसे होते नकली कैसे होता जैसे लड़कन की हो गई शादी अब बहुएं सब घर में आई है और दरवाजे पे फुल्लू फुल्लू कर रहे बैठे बैठे अंदर से बहुएं बोली ओए दिमाग खराब हो गया है सारे दिन दरवाजे पे फुल्लू फुल्लू डाले रहते पतास कैसे करके घर के कौन बट रहे खेत में शाम के इधर मदिया जी ने तो रोटी नहीं मिलेगी बता सुनो हाँ बता सा 60 रुपए किलो आए रहोगे ना तो अब बेचारे पढ़ाई का तरे भगवान सारी जिंदगी कमाए कमाए जा घर में लगा वो बहु में आई गई काती खेत में मर हो जा का जल से बढ़िया बाबा बन जाओ डाटा खा लिया बाबा बन गए असली महात्मा कैसे हो असली हो और तो फिर क्यों मुझे धमका रहे देखो ऐसा करो अगर तुम्हें भजन करने जाना ही है तो कोई गुरु है तुम्हारा जब गुरु कौन सा पेड़ में लगते हैं अरे जाए ना बताओ गुरु का हो देव ऋषि बाबा नारद बोले बेटा गुरु बहुत जरूरी होता है गुरु हाँ जब कौन से पेड़ पर लगा तुम पेड़ पे नहीं लटकता है वो माने अंधकार वो माने प्रकाश अच्छा जो अंधकार से ले जाकर के प्रकाश में डाल दे उसे कहते हैं अच्छा गुरु अंधेरे में तू नींद में ढाड़ो करते हां देखो बिन गुरु भगनी दत्ता रहे ना कोई चाहे प्रपंच संसार सा कोई बिना गुरु के कल्याण नहीं है इसलिए बेटा गुरु बहुत जरूरी है तुमने कोई गुरु किया अच्छा गुरु बना रहे पहले हमें हाँ अच्छा बाबा जब बताओ हाँ बताओ अब हम गांव में लौट के जाए हाँ तो एटा बहुत दूर पर तो है हाँ हम सुबह तक ना पहुंच पाए अब तो हाँ तो गुरु तुम बन जा रहे एटा तक जाए ना कहानी खराब हो जाएगा मामला आते समय तो भजन हो जाएगा भैया घर पर अच्छा जो बोले सो बोले ना बोल नहीं पा रही है ठीक है अब तुम्हें द्वादश मंत्र दे रहे हैं ठीक है कौन सा द्वादश मंत्र अच्छा करो ना हो जाएगा फिर हम